इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट जीएसटी इनवॉइस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद इसने भारत में कई अन्य इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, सीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स आदि का स्थान ले लिया है। यह कर केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि जीएसटी आ जाने के बाद जीएसटी नियमों के तहत बिल बनाना बहुत जरूरी हो गया है। जीएसटी बिल की मदद से बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में आसानी होती है। यदि आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हो तो आपको जीएसटी बिल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक जीएसटी इनवॉइस में नीचे दिए गए अनिवार्य क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इनवॉइस संख्या और दिनांक, ग्राहक का नाम, शिपिंग और बिलिंग एड्रेस, ग्राहक और करदाता का GSTIN, आपूर्ति का स्थान, इनको अच्छे से जांच पड़ताल करें। उसके साथ ही HSN कोड, SAC कोड, वस्तु की डिस्क्रिप्शन, मात्रा, इकाई यानी कि यूनिट्स, पूरा फाइनल अमाउंट, नेट अमाउंट और डिस्काउंट्स, टैक्स रेट और अमाउंट यानी CGST, SGST, IGST, क्या रिवर्स चार्ज के आधार पर GST चार्ज किया जाएगा और बिल के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का हस्ताक्षर, ये सब भी आपके बिल में होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के बिजनेस या GST से रिलेटेड बातों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए इंडिया का नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माई बिल बुक डाउनलोड करें। धन्यवाद।